दिवाली सी जगमगा रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। अयोध्या में बने राम मंदिर का उद्घाटन होने के उसी को लेकर सिवान के इकलौते महाराजगंज मंडल क्षेत्र में एक महात्मा जी हैं जिनका नाम श्री श्री शैलेश्वर नाथ गुरु जी है, मेरे साथ मौजूद है। इनके हाथ में आपको देख रहा होगा कि मंत्र पत्र जो आया है सिवान में इकलौता इन्हीं को मिला हुआ है। अयोध्या में इस राम मंदिर के उद्घाटन लेकर तैयारियां काफी जोरों शोरों पर चल रही है। संकल्प पूरे हुए, जन जन के संकल्प पूरे हुए और इसके लिए मन में प्रभु श्री राम का सम्मान मर्यादा और उनकी प्रेरणा कार्य सेवकों की आहुति यह सब आज सार्थक हुआ और मन प्रसन्नता के साथ आज मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। राम केवल एक के नहीं है, राम जन जन के हैं, राम सबके हैं, राम मैं जगत है, अतः सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुगपानी करके संपूर्ण विश्व के जनमानस को प्रणाम कर रहा। अच्छा, कुछ सनातन के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर इस पर क्या कहिएगा? इस पर कोई टिप्पणी मेरी नहीं है, राम सबके हैं, राम सबके लिए हैं, राम जन जन के हैं, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है और कुछ अच्छा हो रहा है उसको प्रणाम करना है। अच्छा, राम के लिए दो शब्द थोड़ा गुनगुना सकते हैं कुछ राम जी के? राम के लिए चार पंक्तियां मैंने लिखी है और वो चार पंक्तियां ये है। हे आर्य पुत्रो हे हिंदुओं, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, दिवाली सी जगमगा रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे भारतवंशी, तुम्हें अयोध्या पुकार रही है। हे हिंदवासी, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, कार सेवकों की आहुति श्री राम भक्तों का संक पूर्णाहुति, तुम्हें अयोध्या पुकार रही है। जन जन का चंदन बंदन अभिनंदन है, श्री राम लला जी बुला रहे हैं। दिवाली सी जगमगा रही है, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो हे हिंदवासी, सबके राम पुकार रहे हैं। जय श्री राम, सबको नमन, सबको प्रणाम।